तमिलनाडु की टीम ने अपनी पहली विकेट गंवाई थी। अगर हम देखेंगे तो आज के इस मैच के अंदर तमिलनाडु की टीम हारी है। तमिलनाडु के टॉस हारने के बाद आज बल्लेबाजी को हिमाचल प्रदेश के सामने हिमाचल प्रदेश की टीम ने टॉस जीत कर आज के इस गेंदबाजी करने का फैसला किया। जहां पर आप लोगों को याद दिला दूं कि तमिलनाडु की टीम ने आज के इस मैच में जो प्लेयर्स हैं ओपनिंग बल्लेबाज नारायण जगदीशन वही खेल रहे हैं ओपनिंग में, उनके साथ बाबा अपरजीत ओपनिंग करने के लिए आए थे। इसके बाद हम देखें तो नंबर तीन के ऊपर आपको रवि श्रीनिवासन साई किशोर आए हैं, छह मुकाबलों का एक्सपीरियंस है रवि श्रीनिवासन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमने शुरू किया है आज तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के बीच जो मैच खेला जा रहा है उसका फाइनल यहां पर लाइव प्रसारण कर रहे हैं। कमेंट्री पहली बार करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी दोस्तों को हम हमारी कमेंट्री सुन रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग क्या लगता है, क्या बाबा इंद्रजीत चलेंगे या फिर बाबा अपरजीत नहीं चलेंगे? तो क्योंकि बाबा अपरजीत आज के मैच के अंदर खाली हाथ लौट गए दो रनों के ऊपर। क्या है बाबा इंद्रजीत जो है आज के इस मैच के अंदर कुछ बड़ा कमाल कर पाएंगे? देखने वाली बात रहेगी, तो आने वाला टाइम ही बताएगा। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो नंबर पांच के ऊपर दिनेश कार्तिक है। दिनेश कार्तिक बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन डोमेस्टिक क्रिकेट। या फिर अगर हम देखेंगे तो जब अपने जमाने में खेला करते थे भारतीय टीम में है उस टाइम पे भी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे। ये नंबर छह पर खेलेंगे आपको इस मैच के अंदर, नंबर पांच पे खेलेंगे। नंबर छह के आपको इस टीम के अंदर जो नजर आ रहे हैं वो है विजय शंकर कप्तान, कैप्टन रोल का नंबर सिक्स लेके दर्जा। आई एम डूइंग लाइव कमेंट्री। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल मैच खेला जा रहा है तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के बीच में। और यहाँ पर मैं आपको सीधा प्रसारण कमेंट्री कर बताता हूँ। और हिमाचल प्रदेश ने अभी तक दो विकेटें खो दी हैं। और सरप्राइजिंग यहाँ पर ये रहा कि अश्विन मुर्गन यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। अरे आवाज अच्छी आ रही, रघुपति भी आपको खतरनाक बल्लेबाजी कर सकते हैं। रघुपति नौ में खेलेंगे, मुर्गन अश्विन दस में खेल रहे हैं आज के इस मैच के अंदर। मुर्गन अश्विन प्लेइंग इन दिस मैच अगेंस्ट हिमाचल प्रदेश एंड नंबर 11 देव सी संदीप वारियर, नंबर 11 पे संदीप वारियर आपको तमिलनाडु के लिए खेलने वाले हैं आज के इस मैच के अंदर। अगर हम स्कोर की बात करेंगे तो समय आपका तमिलनाडु का जो स्क्रीन के सामने दोस्तों स्कोर लगातार अपडेट हो रहा है, तो ये आपको तमिलनाडु की टीम थी। लेकिन एक बार मैं हिमाचल प्रदेश की टीम भी बता दूं, जो कि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आपको ये टीम यहां तक पहुंचेगी। ऋषि धवन कप्तान, बेहतरीन खिलाड़ी ऋषि धवन, शुभम अरोड़ा विकेट कीपर बल्लेबाज, प्रशांत चोपड़ा के साथ ओपनिंग आएंगे। तो ये दोनों खिलाड़ी बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं, प्रशांत चोपड़ा भी और शुभम अरोड़ा भी। देखते हैं आज के मैच के अंदर ये दोनों खिलाड़ी किस प्रकार की कामयाब हो पाते हैं। ऋषि धवन से दोस्तों आज के मैच के अंदर बहुत उम्मीदें होंगी, गेंदबाजी में भी बल्लेबाजी में भी। ऋषि धवन नंबर तीन पे खेल, नंबर चार पांच पे खेलेंगे, लेकिन मैंने नंबर तीन के ऊपर इनका नाम रखा हुआ है, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर सकते हैं। निखिल गंगा है आपको नंबर चार पे नजर आ रहे हैं। नंबर पांच पे दिग्विजय रंगी है, नंबर छह पे आपको सिद्धार्थ शर्मा है, नंबर सात पे आकाश बिष्ट है और वशिष्ठ है, नंबर आठ के ऊपर विनय गालेटिया है, नौ के ऊपर पंकज जायसवाल है, दस पे अमित कुमार है, ग्यारह पे मयंक डागर नजर आएंगे। हाय अदीना, बहुत ही बैलेंस साइड नजर आ रही है। तो पापा क्या कर रहे जी, हाथ राजा लगाओ। प्रशांत चोपड़ा नंबर दो पे है 435 रनों के साथ, प्रशांत चोपड़ा आज फाइनल मैच खेल रहे हैं। इसके बाद अगर हाई फाई तो शुभम शर्मा जो कि एमपी के लिए 418 बनाए थे, ऋषि धवन ने 416, मनन वोरा ने 379 नंबर पांच पे हैं, वेंकटेश अय्यर नंबर छह पे 379 रन बनाने में कामयाब। गेंदबाजी में यश रवि शांत ठाकुर ने इस सीजन में
18 विकेट निकाली है, बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाई आपको इस विद्यालय ट्रॉफी में उन्होंने। इसके बाद रघुपति ने 15 विकेट निकाली है, अगर रघुपति इस मैच के अंदर 5 विकेट निकालने में कामयाब होते हैं तो शायद आज ऊपर चले जाएंगे। लीजिए बहुत बड़ा झटका तमिलनाडु की टीम को लग गया है, तमिलनाडु की टीम यहाँ पर अदीना है वो। क्या बाबा Thank you.